भाजपा केजरीवाल आज वाराणसी में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए पहुंचे हैं तो दूसरी तरफ गुजरात में उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। प्रदेश के 300 कार्यकर्ताओं ने वहां एक साथ इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी के नारे के साथ आम आदमी को रिझाने में जुटे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार शाम केजरीवाल के लिए उस समय बुरी खबर आई जब गुजरात के राजकोट में टीम केजरीवाल के 300 कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही केजरीवाल अपनी जमीन तलाशने के लिए गुजरात में कुछ दिन बिता के आए थे, मोदी के विकास पर सवाल भी खड़ा किया था, लेकिन अचानक मिले इस झटके से टीम केजरीवाल का प्लान गड़बड़ होता नजर आ रहा है। चुनाव के मौके पर ही पार्टी की जो असलियत है वो बाहर आई है। उसको बिना संगठन पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ने चाहिए था और जो लड़े वो अच्छे उम्मीदवार उसको खोजने चाहिए थे, उसमें कोई दिलचस्पी ली नहीं गई है। आपके बागी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले तो केजरीवाल ने उनके लिए बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई तो कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं की उम्मीदवारी तय कर दी गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी अनदेखी हुई, पार्टी के स्थानिक पदाधिकारियों को भी पूछा नहीं गया और सीधा हाईकमांड से 13 सीट उम्मीदवार उतारे गए हैं। ये बड़ी वजह है जिसे हमें पार्टी छोड़ने पर मजबूर है। राजकोट से टीम केजरीवाल को लगे इस झटके के बाद आम आदमी पार्टी सकते में है और सवाल ये उठ रहे हैं कि मोदी और राहुल जैसे दिग्गजों को ललकारने वाले केजरीवाल का सपना पूरा कैसे होगा।